जांजगीर चांपा जिले के लगरा गांव में 8 साल पहले 25 एकड़ भूमि में वन विभाग द्वारा सागौन के पेड़ लगाए गए थे, जिसमें से 152 नग सागौन के पेड़ों को अज्ञात लोगों द्वारा अवैध कटाई करवाई गई। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत वन विभाग के अधिकारियों से की, जिस पर वन विभाग के अधिकारी जाँच के नाम पर देरी करते जा रहे हैं और मामले को रफा दफा करने में जुटे हैं। वन विभाग के अधिकारियों पेड़ों की सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरतते नजर आए, जिसे आक्रोश में आकर ग्रामीणों ने कलेक्टर और डीएफओ को पत्र सौंपते हुए वन विभाग और लकड़ी माफिया की सांठ गांठ होने की आशंका जताई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएफओ ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। 152 पेड़ सागौन का झाड़ जो है कटा हुआ है, करीबन 4 महीना हो गया है। उसका फरियाद हम किए थे, उसके बाद कोई उसका वो नहीं मिला, निष्फल हो गए सब, तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तब हम आज कलेक्टर के यहाँ दिए हैं और डीएफओ साहब चांपक में दिए हैं, इसका वास्तविक निर्णय मामले की जांच हो। जिन लोगों ने काटा है वही लोग के ऊपर निर्भर है। ये 4 में 4 महीना हो गया है, ठीक लॉकडाउन होने के कारण ये सब अपना गुप्त जू कर लिए हैं। अब हमारा कुछ नहीं होगा करके लॉकडाउन के उसमें फ़ायदा उठा करके अपना चुपचाप हेरा फेरी कर दिए। और वो कलतरा के जो उद्यान है, इंदिरा उद्यान, वहीं पर रखा गया करके वही लोग बताए जो लगाया ट्रैक्टर में भर के। अपने विभाग से कोई कर्मचारी नहीं गए हैं काटने के लिए, परमिशन के बारे में तो मेरे उच्च अधिकारी लोगों को पता होगा, लेकिन मुझे तो परमिशन का जानकारी नहीं है। एक पेपर कटिंग के माध्यम से मेरे पास ये सूचना आई थी, उस विषय में जांच के लिए मेरे ऊपर मंडल अधिकारी को दिया गया है। जांच रिपोर्ट आते ही जो भी मामला स्पष्ट होता है कार्रवाई की जाएगी। कोई भी चीज़ जो है, मतलब जांच रिपोर्ट आने के बाद ही मैं स्पष्ट बता पाऊंगी क्या मामला था। डीसी 24 न्यूज़ के लिए जांजगीर चांपा से लाला उपाध्याय की रिपोर्ट।